नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलाउंसेस, भत्ता या एडवांस जो भी मिलते हैं एम्प्लॉय को, उनके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम लोग अलाउंस और एडवांस के ही सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकेगी एग्ज़ाम में या एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर की परसेंटेज क्या है? तो 8.5% है। सेकंड नंबर दे लेते हैं कि मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम खालिस्तान किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ एचबीआई इज रिकवर्ड इन 60 इंस्टॉलमेंट में, जो है अपना इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है, और 240 इंस्टॉलमेंट में, 180 में उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर किया जाता है। टोटल 240 में किस्त में मकान का जो अग्रिम लिया जाता है उसको पेड किया जाता है। तो याद रखिए 180 प्लस 60। अब इसमें द मैक्सिमम स्कूटर एडवांस रुपी इज कितना है? एडवांस स्कूटर का 30,000। एचबीए के लिए सरकारी कर्मचारी की 10 वर्ष की नौकरी या वह नौकरी में होना जरूरी है, मतलब 10 ईयर की सर्विस जरूरी है क्या काहे के लिए? एचबीए के लिए। तो ये सही है, 10 साल होना चाहिए। उसके बाद में दिया है कि एचबीए मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कुल 180 किस्तों में की जाएगी। तो गलत आंसर है इसका, 180 में जो है प्रिंसिपल अमाउंट किया जाता है और जो टोटल रिकवरी की जाएगी 240 में की जाएगी, 60 में इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा। दिया है मिनिमम एचबीए इज 750 एंड मैक्सिमम इज 30 लाख। तो ये मिनिमम जो है 750 है, मिनिमम 180, और 180 से लेके 10 लाख तक मरम्मत के लिए, और बाकी 10 लाख से लेके 25 लाख तक ये जो है न्यू मकान के लिए आप ले सकते हैं। तो ये 30 की जगह 25 होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, 25 रहेगा। स्कूटर अग्रिम की कटौती 30 किस्तों में की जाती है, सॉरी 70 किस्तों में की जाती है, सही है, 70 किस्तों में स्कूटर एडवांस की जाती है। अब दिया हुआ है कि द ₹1,000 इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉई हैविंग चाइल्ड हु इज 40% डिसेबल्ड। ऐसा है एक फीमेल एम्प्लॉई जिसका कि बच्चा 40% डिसेबल्ड है, तो उसको ₹1,000 पर मंथ एज ए चाइल्ड केयर अलाउंस के रूप में मिलेगा। गृह निर्माण लागत हेतु अधिकतम राशि 150,000 रुपये स्वीकृत की जा सकती है, तो 30 की जगह यह 25 लाख रुपीज़ है। इसको और थोड़ा सा मैं चेक ही कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग इज 30 लाख। हॉस्टल सब्सिडी की वर्तमान जो दर है वो है 6,750 रुपये पर मंथ। उसके बाद में निजी हु इज एलिजिबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर एडवांस एंड व्हाट इज द अमाउंट सेंक्शन ऑन फर्स्ट ओकेशन। पहली बार अगर आप कंप्यूटर एडवांस का लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो 50,000 मिलेगा उसमें 2017 के आरबी के अनुसार। और दूसरी बार अगर आप निजी कंप्यूटर लेते हैं या उसी को चेंज करते हैं, तो उसके में 40,000 रुपीज़ मिलेगा, या कंप्यूटर की कीमत जो भी उसके साथ बिल लगाना होता है, कंप्यूटर की जो कास्ट आएगी वो अगर कम है तो उसमें कम मिलता है। नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है? तो 72,000 पर मंथ है नर्सिंग अलाउंस। क्या नर्सिंग अलाउंस जो है को वेतन का हिस्सा माना गया है? तो नर्सिंग अलाउंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक या पार्ट ऑफ सैलरी। और उसके बाद में क्या नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता दिया जाता है? इज द नर्सिंग स्टाफ इंटाइटल फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस? तो इट इज नॉट, नर्सिंग अलाउंस को, नर्सिंग स्टाफ को नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता है। दूसरा तो दिया है कि रेलवे जो मेडिकल में डॉक्टर्स हैं उनको जो एनपीए जो दिया जाता है प्रैक्टिस अलाउंस, तो वो होता है 20%। तो क्या इसमें ये पूछा गया है कि रेलवे के डॉक्टर्स का बेसिक और एनपीए मिलाकर अधिकतम कितना भुगतान हो सकता है? मतलब तो 2,37,500 रुपये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा डॉक्टर्स का। ग्रुप सी को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति की आवश्यकता होती है, मतलब हाँ ग्रुप सी एम्प्लाई जो है उसको ड्यूल चार्ज को दिया जाता है,
तो उसको फाइनेंस कंकरेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ज़रूरत होती है उसको। 3 माह तक इज़ द PCPO ऑथोराइज टू अप्रूव ड्यूल चार्ज ऑफ JAG ऑफिसर अप टू 3 मंथ। 3 साल के लिए क्या, 3 महीने के लिए अगर आप ड्यूल चार्ज देते हैं किसी JAG ऑफिसर को, तो क्या PCPO उसके लिए ऑथोराइज है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, GM इज इम्पावर्ड फॉर द सेम फॉर द 3 मंथ। एजुकेशन अलाउंस जो दिया जाता है तो वो कितने बच्चों के लिए दिया जाता है? 2 बच्चों के लिए। फॉर द मैनी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन सर्वाइविंग एल्डर चिल्ड्रन, तो सिर्फ 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर पहला बच्चा सिंगल है और उसके बाद में जो सेकेंड डिलीवरी होती है अगर मैं उसमें ट्विंस अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है 3 बच्चों के लिए भी ये दिया जाता है। एजुकेशन अलाउंस कर्मचारी को अधिकतम कितने रुपए दे? तो इसको जो है 27,000 पर ईयर है एक सत्र के लिए, सभी को बताएं 2250 इंटू 12 27,000 रुपये महीने के हिसाब से 2250 आएगा। रनिंग स्टाफ को जो है सेटलमेंट के लिए, जो रनिंग स्टाफ का लिए सेटलमेंट के लिए जो बेसिक माना जाता है वो जाएगा 55% प्लस बेसिक प्लस 55%। इसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि इसमें 30% एड नहीं होगा, डायरेक्ट 55% होगा। अगर मान लो 100 रुपये बेसिक है तो वो 155 कैलकुलेशन होगा, ये नहीं कि 100 का 30% निकालेंगे उसके बाद 55 करेंगे, ये कन्फ्यूज में मत रही होगी। वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर किस दर से ब्याज दे है? तो वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर किस दर से ब्याज दे है? तो 8% है और ये तो जनरली चेंज होते रहता है, तो इसको तो ये तो क्वेश्चन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इसमें, उस समय करंट जो रहेगा वही एक मतलब रहेगा उसका। हर महीने वेतन का कितने प्रतिशत जो है PF में कांट जमा किया जाता है? तो PF में दोस्तों क्लियरली ये समझ लीजिए कि 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी PF में जमा होती है साल में। अब अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 8.33% आपका बेसिक का जो है PF में कटेगा। एक बेसिक जमा होता है, याद रखिए, जिसमें DA इंक्लूड नहीं होता है। वहीं अगर NPS में एम्प्लाई है तो NPS में बेसिक प्लस DA पर उसका 10% रिडक्शन होता है फॉर NPS कंट्रीब्यूशन, और इसमें सिर्फ बेसिक का 8.33% होता है। तो क्या इसमें दिया है वेदर SAG ऑफिसर इज ऑथोराइज फॉर अप्रूविंग फाइनल विदड्रॉल ऑफ PF ऑफ ग्रुप ए और बी ऑफिसर? SAG ऑफिसर ऑथोराइज है क्या फाइनल अप्रूवल फाइनल विदड्रॉल ऑफ PF का ए और बी ऑफिसर के लिए? तो जी हाँ, SAG ऑफिसर ऑथोराइज है PHOD जो रहेंगे। कार लेने हेतु PF में अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो कार लेना है अगर आपको तो 3/4 ऑफ PF बैलेंस जो है उसको, या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हीकल विच एवर इज लेस, जो भी कम रहेगी वो ऑथोराइज की जा सकती है, दी जा सकती है। कितने वर्ष की उपरांत सेवा के पश्चात से PF से सेवा निकासी की जा सकती है? PF से मतलब अगर आपको निकलवाना है PF तो 15 वर्ष के बाद में स्थायी निकासी की जाती है, मतलब फाइनल विड्रॉल जो है होता है 15 ईयर का होता है। बीमारी के प्रयोजन से PF में अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो जमा राशि के जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसका 90% जो है दिया जाता है। अपने 28 नंबर देख लेते हैं इसमें कि जो है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम PF फॉर डॉटर्स मैरिज या एंगेजमेंट के लिए? आपको अगर PF से एडवांस लेना है तो 12 मंथ ऑफ सैलरी या 75% ऑफ अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो भी उसका 75%, 3/4। इसमें दिया है कि हाउ मेनी मंथ सैलरी इज अलाउड टू बी फाइनल विड्रॉल फ्रॉम PF अकाउंट इन केस ऑफ डॉटर्स मैरिज 12 मंथ सैलरी? इट इज अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड हियर। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फाइनल विड्रॉल फ्रॉम PF अकाउंट फॉर रिपेयरिंग ऑफ हाउस? इट इज 10 ईयर। 10 ईयर है तो PF से आप हाउस रेंट हाउस में रिपेयरिंग के लिए ले सकते हैं पैसा। एंड वेदर एडवांस कैन बी गिवन फ्रॉम PF अकाउंट टू एन ऑफिसर फॉर रिपेयरिंग हिज कार? यस, इट कैन बी सेंक्शन टू द ऑफिसर। एंड दस 23 नंबर इज मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ सैलरी इज अलाउड टू बी विदड्रॉन फॉर रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम PF अकाउंट इन केस ऑफ रिपेयरिंग हिज हाउस? तो इट इज 75% या 12 मंथ ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल जो कास्ट है उसकी रिपेयरिंग कास्ट, विच एवर इज लेस। भविष्य निधि में जमा राशि का 90% बिना किस कारण बताए निकाला जा सकता है?
सेवा मुक्ति से 12 महीने पहले, अगर आप रिटायर होने वाले हैं 12 महीने पहले, अगर आप वो इस राशि पीएफ से अगर 90% निकलवाना चाहते हैं तो बिना कोई रीज़न दिए आप उसको निकाल सकते हैं। एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता दे तो 180 डेज टीए दिया जा सकता है एक बार में। एक दिन में 12 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर कितना परसेंट दिया जाता है टीए, तो 100% है। और टीए को डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, मतलब जो स्लेब बने हुए हैं वो 5 स्लेब में बने हुए हैं और 3 पार्ट होते हैं इसको, 30%, 70% और 100%। पे मेट्रिक में लेवल 6 तक या से लेवल 8 तक 100% टीए की दर कितनी है, तो इसमें ये 100% है। लेवल 5 तक है 5%, और सॉरी 500 रुपये, फिर है 800 रुपये लेवल 8 तक, लेवल 9 से 900 रुपये, फिर 1000 रुपये और फिर 1200 या आई थिंक 1400 रुपये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पे मेट्रिक लेवल 1 में मेट्रिक लेवल से 5 तक 100% टी ए जो है 500 रुपीज़ है, मतलब कहने का ये कि लेवल 5 के लिए टी ए 100% कितना है 500 रुपीज़। एक दिन में अगर कोई एम्प्लाई 10 घंटे से बाहर, 10 घंटे मुख्यालय से बाहर जाने पर भत्ते का कितना प्रतिशत होगा, तो उसको 70% मिलेगा। इसका स्लेब ये होता है कि 6 घंटे तक 30%, 6 घंटे के बाद से लेकर 12 घंटे तक 70%, और 12 घंटे से ज़्यादा होने पर 100% मिलता है 24 घंटे तक। क्या पेंशन पर महंगाई भत्ते की गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है, तो हाँ पेंशन की मूल रकम पर की जाती है। महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है, तो इसमें जो एक्स वाई जेड कैटेगरी है तो एक्स में 27% हो चुका है अभी, 27, 18 और 9 नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितनी श्रेणी में विभाजित किया, एक्स वाई जेड 3 श्रेणी में किया हुआ है, तो एक्स में जो है यहाँ पर 20 लिखा था 27 हो गया, वाई का जो है 16 हो गया और जेड का 9% हो गया, 27, 18 और 9। अब इसमें दिया हुआ है कि एचआरए अधिकतम कितने दिनों के अवकाश पर पूर्ण दे है, 6 महीने तक प्लस 4 महीना चिकित्सा अवकाश के आधार पर अगर लगाते हैं तो उसमें दिया जा सकता है। दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है, तो 27% हो गया है। और जैसे ही जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो ये 1% और बढ़ जाएगा और ये 30% हो जाएगा, 10, 20 और 30 जो पहले था वो हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि इफ एनी ऑफ द स्पाउस इज अलाउटेड रेलवे अकोमोडेशन, अगर किसी एक रेलवे एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दिया और उसका दूसरा जो स्पाउस है वो भी अगर रेलवे में ही है, एंड बोथ आर वर्किंग इन द सेम स्टेशन, विल एनी ऑफ देम विल बी एलिजिबल फॉर एचआरए, तो किसी एक को एचआरए मिलेगा क्या, तो किसी को भी एचआरए नहीं मिलेगा, दोनों में कोई नहीं मिलेगा। क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम हो तो उसे एनएचए दिया जा सकता है, तो हाँ दिया जा सकता है। पे मेट्रिक्स लेवल 8 तक दे है, मतलब क्या पूछ रहा है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस इज पेएबल इन द मैक्सिमम अप टू विच पे मेट्रिक्स लेवल एम्प्लाई, तो नॉन गजेटेड एम्प्लाई जो है लेवल 8 तक है उनको दिया जाता है। दिया हुआ है कि आर रनिंग स्टाफ एलिजिबल फॉर एनएचए फॉर वेटिंग फॉर ड्यूटी आफ्टर कंप्लीटिंग रेस्ट, यस इट इज पेएबल। दिया हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ एनपीए टू डॉक्टर्स, तो ये जो दोस्तों 25 के बजाय भी है 20% हो चुका है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। डीसीआरजी के लिए, एनपीए के लिए, डॉक्टर्स के लिए 20% कैलकुलेट किया जाएगा। डीसीआरजी में आई थिंक ये एनपीए जो है 20% ही रहेगा या 25%, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो ये 20% तो एनपीए मिलता हुआ तो सही है, चलो इसको क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं, कभी देखते हैं इसका कुछ रहेगा तो उसको भी। क्या चार्ज अलाउंस डीसीआरजी के प्रयोजन हेतु माना जाएगा, तो ये नहीं माना जाता है। एन एम्प्लॉई इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 28 डेज ट्रेनिंग इन अ मंथ, हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी गेट, तो अगर महीने एक महीने में एक भी दिन अगर एम्प्लॉई ऑफिस अटेंड करता है तो उस महीने का फुल टीए दिया जाता है। स्कूटर खरीदने के लिए जो है 30,000 रुपये जो दिया जाता है, एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड टू बायर स्कूटर, तो 30,000 रुपये या फिर 4 मंथ ऑफ सैलरी ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्कूटर विच एवर इज लेस, जो भी कम। अब जो एच पी ए दिया गया है, तो वट इज़ द मिक्स मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग एच पी ए, इट इज़ 10 ईयर, और वास्तविक विस्तार करने मकान विस्तार करने हेतु अधिकतम एच पी ए निर्माण मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति की राशि कितनी है, तो 1,80,000 से लेके 10 लाख तक है। किसके लिए, मकान विस्तार के लिए।
HBA जो है, अभी मैंने बताया था कि HBA के जो लोन का रिपेमेंट किया जाता है तो 240 इंस्टॉलमेंट में, 180 के लिए प्रिंसिपल और 60 के लिए इंटरेस्ट है। अब जो HBA पर अधिकतम ब्याज दर कितनी होती है, 8.5% होती है। मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम लागत सीमा क्या है, तो ये देखिए 25 लाख RBI लेटर 2018 के अनुसार, जहाँ ऊपर में 30 लाख लिखा हुआ था तो ये 18 लाख है, 25 लाख है सर। जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं मतलब नॉन गजेटेड स्टाफ हैं, मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति करने हैं तो सक्षम अधिकारी कौन है, तो डिवीजन में जो है DRM रहेंगे। AGM सबको अगर मान लो HB लेना है तो उनको कौन अप्रूव करेगा, उनका जो लोन है वो महाप्रबंधक करेंगे। क्या केवल भूमि खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि दे है, तो जी हाँ दे है वो। रेलवे कर्मचारी को किसने बंध्याकरण ऑपरेशन कराना है, कोई मतलब जो ट्यूबेक्टॉमी जो होता है ऑपरेशन, हाउ मेनी परसेंटेज डिस्काउंट इज गिवन ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस टू द रेलवे स्टाफ हु इज कैरीड आउट द ऑपरेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, बंध्याकरण जो करता है उसको जो है कितना परसेंट, 0.5% का उसको डिस्काउंट दिया जाता है। रनिंग स्टाफ को बोनस हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है, तो बोनस के लिए कोई भी अलाउंस की गणना नहीं की जाती रनिंग अलाउंस के लिए। यदि कर्मचारी बाय स्टेशन पर रक्तदान हेतु आता है तो इसे यात्रा भत्ता दे है, तो जी हाँ उसे यात्रा भत्ता मिलेगा और मानार्थ पास भी जारी किया जाएगा। उसके बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारी को चिकित्सा लाभ कब से स्वीकृत किया गया है, तो 1/12/97 से चिकित्सा लाभ भत्ता दिया गया है। यहाँ पर फिर से दिया गया है ट्यूशन फीस का, तो 2250 रुपये प्रति बच्चा है। गैंगमैन को नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 9 रुपीज़ है, ये वेरिएबल होता रहता है, इसको चेक कर लीजिए। मोटर कार अग्रिम में एडवांस ब्याज दर कितनी है, 12.5%। केवल अधिकारियों को मोटर कार अग्रिम किस वेतन पर मिलेगा, तो अधिकारियों को जो 19,530 से वेतन प्लस ग्रेड पे, ये जो कि 6 PCPC के अनुसार है, 7 CPC के अनुसार ये चेंज रहेगा। द्वितीय अवसर पर मोटर कार अग्रिम कितना दे है, तो ये 1,60,000 रुपये या 8 माह का वेतन जो भी कम हो। ड्यूटी के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम कितने किलोमीटर यात्रा की जानी चाहिए, TA अगर अप्लाई TA पे अगर एम्प्लाई जाता है तो उसको कम से कम 8 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी होती है। तो यहाँ तक दोस्तों ये सारे अलाउंसेस के बारे में हम लोग चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रनिंग अलाउंसेस के बारे में, जो रनिंग स्टाफ को स्पेशली मिलते हैं उनके बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या कोई नई एस्टेब्लिशमेंट रूल्स की अवेयरनेस रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और कुछ डाउट रहे तो कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप किसी और को इस चीज़ का फ़ायदा देना चाहते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर यू।